हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं अंशु शर्मा और हमारे चैनल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने रॉयल इनफील्ड की जो बुलेट 350 है। अब सबसे पहले इसकी की आपको दिखाते हैं। इसकी की कुछ इस टाइप की आपको देखने मिलती है जो और भी रॉयल इनफील्ड में आती है। ये जो बाइक है आपको डुअल टोनिंग में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप और भी कलर ले सकते हैं, इसमें 4-5 कलर ऑप्शन आते हैं। और यहाँ से आप देखते हो तो यहाँ से ब्लू है और पूरी पूरी ब्लैक है। और नीचे की तरफ जो इसका इंजन है वो भी पूरा का पूरा ब्लैक में आता है। अब सबसे पहले इसके फ्रंट में जाते हैं और फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो फ्रंट आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलता है। और इसकी लाइट्स की बात करें तो हैलोजन में आपको देखने की मिलती है, क्योंकि आपको पता है जो रॉयल इनफील्ड की जो भी बाइक्स आती है उसमें LED लाइट्स बहुत कम देखने की मिलती है। आपको सारी की सारी लाइट्स हैलोजन में देखने की मिलती है। यहाँ पर देखते तो यहाँ पर आपके छोटे छोटे बल्ब आ जाते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ देखते तो यहाँ पर आपके टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं, ये भी आपके हैलोजन में आते हैं। और यहाँ पे ये आपको रोड देखने की मिलती है। ये आपका कवर है, अगर आपकी बाइक वगैरह गिर जाती है तो ये आपको कवर कर लेती है, आपकी बाइक की एक प्रोटेक्शन करती है। ये एसेसरीज के तौर पे लगाया जाता है। वैसे इनफील्ड की बात करें तो इसमें ये आपको नहीं मिलता। और इसके अलॉयज की बात करूँ तो इसमें आपको स्पोक्स रिम देखने के लिए मिलते हैं। और इसका जो मड गार्ड है वो बहुत ही बड़ा आता है, जो आपको क्लासिक 350 में देखने के लिए मिलता था। और यहाँ की तरफ देखते तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं की हुई है जो इसका डिस्क ब्रेक है, वरना इस पे बेवर के जो डिस्क ब्रेक है वो आते हैं। और इसकी टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें आपको R18 मतलब 18 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। और इसमें MRF के टायर्स आते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें हॉर्न वगैरह दिखाते हैं आपको। हॉर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर सिंगल हॉर्न आता है। पर इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं, इसमें हॉर्न किसी भी टाइप के लगवा लो, इसकी बैटरी झेल जाती है। और इसके इंजन की बात करूँ तो इसमें आपको 350cc का इंजन देखने को मिलता है। अब इसके टैंक के ऊपर आते हैं। टैंक पे आपको यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है, मतलब रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ आता है। और यहाँ पे आपका फ्यूल का आता है, यहाँ से आप फ्यूल वगैरह डलवा सकते हैं। और नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको बुलेट 350 की बैजिंग मिल जाती है, जो इसके बैटरी का वो है। यहाँ से आप एक स्पेस का, एक बैटरी का इसमें से। और यहाँ पर देखते तो यहाँ पर आपके गियर्स आ जाते हैं। इसमें जो रॉयल इनफील्ड में पुराने गियर्स लगते थे उस टाइप से इसमें अब भी गियर्स लगते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे आपका फुटरेस्ट आ जाता है, यहाँ पे आपका सारी कवर आ जाता है। सारी कवर इसमें बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है, अब तो कंपलसरी हो चुका है इंडिया में सारी कवर। इसके बिना आप बाइक ले ही नहीं सकते, अगर आप इस टाइप की बाइक लेते हो तो। चाहे आप कोई भी बाइक ले लो, उसमें आपको सारी कवर ज़रूर ही देखने के लिए मिलेगा। और पीछे की तरफ आते तो पीछे की लुक रॉयल इनफील्ड 350 की इस टाइप की लगती है। यहाँ पर देखते तो यहाँ पर आपको स्टील में हैंडल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपके रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आती है। रॉयल इनफील्ड खुद को इतना प्रमोट करती है कि हर जगह आपको बैजिंग दे देगी। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ आपको लोगो दे देगी, यहाँ पे आपको अपनी बैजिंग दे देगी। और वहाँ आप इंजन पे देखते हो तो इंजन पे भी आपको बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और आप पीछे की तरफ यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको इसकी टेल लाइट मिल जाती है, इस तरफ आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट प्लेसमेंट मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और पीछे की टायर की बात करूँ तो पीछे का टायर आपको MRF का ही देखने के लिए मिलता है, और उसमें भी आपको स्पोक्स रिम ही आते हैं। और इनकी प्रोफाइल की बात करूँ तो ये भी आपको 18 इंच के ही देखने में मिलते हैं। अब इसके साइलेंसर को देखते हैं, जो इसका एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट इस टाइप का दिखाई देता है, आगे से होता हुआ पीछे तक आ जाता है। इसमें बहुत ही बड़ा एग्जॉस्ट आता है। अब तो जो रॉयल इनफील्ड में पहले एग्जॉस्ट आते थे वो कुछ ज़्यादा शानदार थे, अब बात करें तो अब तो बहुत ही कम इनकी साउंड कर दी है। इनकी साउंड मैं आपको एक बार सुनाऊँ तो किस टाइप की इसकी साउंड आती है। इसकी साउंड आपको सुनाए तो नॉर्मल में आपको इसकी साउंड ऐसी दिखाई देती है। और वाइब्रेशन की बात करूँ तो बिल्कुल भी वाइब्रेशन कम नहीं हुई इसमें, वाइब्रेशन भर भर के आती है। और अब इसको रेव करते हैं, रेव करने पर इसका साउंड देखते हैं। रेव करने पर इस टाइप का आपको साउंड मिलता है। और आप देखिए कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन है इसमें, आप इसको इसके मिरर को देख के समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसमें वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की कोई कमी नहीं है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं कि किस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, तो इसमें ये सब कवर होके आता है। आप इस कवर को हटाते तो आपको एनालॉग में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे आपकी न्यूट्रल की लाइट आ जाती है। इस साइड ये आपका डिजिटल कर दिया, पहले ये भी एनालॉग आता था। और इसमें आपका फ्यूल का नहीं आता कि इसमें फ्यूल कितना है बाइक में, मतलब फ्यूल का पता चलने की जो सुई वगैरह आती है, जो आपकी स्प्लेंडर वगैरह मिलती है वो नहीं मिलता। और इसके मिरर्स की बात करो तो इस टाइप के क्लासिक मिरर आपको मिलते हैं, क्योंकि ये पूरी बाइक क्लासिक है, मतलब क्या ही बताऊँ, इसका अलग ही रुतबा है। अब इसके प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेते हैं कि इसका प्राइसिंग आपको क्या देखने के लिए मिलता है। इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगा 1,96,500 पास एक्स शोरूम। और अब इसके ऑन रोड प्राइस की बात बताऊँ तो ऑन रोड आपको देखने के लिए मिल जाता है 2,02,10 के आसपास।
क्योंकि ये मैं जयपुर का रेट बता रहा हूँ और अदर स्टेट टू स्टेट वरी करता है कि क्या इसका प्राइसिंग होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।